तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ पोलरॉइड्स के। तो जो पहला एप्लीकेशन है जो हमेशा आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे इसको करते हैं, दैट इज़ इन 3D मूवीज़। इन 3D मूवीज़। अब मैं पहले ही 3D मूवीज़ को क्यों लिया है, क्योंकि क्योंकि 3D मूवी में ना एक काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझना। तो 3D मूवी में क्या होता है, आप चश्मा पहनते हो, चश्मा तो पोलरॉइड का होता है वो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे में लॉजिक क्या है वो ज़रा समझना। हम कोई भी चीज़ को, ये चीज़ देखो, आप मेरा हाथ भी देखते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये कुछ मोटा है, पतला है, डन है क्या। अब देखो हमारा आग कोई चीज़ को कैसे देखता है ज़रा समझना। सपोज़ सपोज़ कि आप कोई एक बंदे को देख रहे हो, कोई बंदा या फिर कुछ भी आप देख रहे हो। मान लो कि ऐसा कुछ है, एक कढ़ाई है आपके पास, ठीक है, एक कढ़ाई है आपके पास, एक कढ़ाई। अब कढ़ाई को आप जब देखते हो यहाँ से ना, तो आपके पास दो आंखें हैं। अब जब आप इस कढ़ाई को देखते हो तो होता क्या है, आपका जो एक आंख है ना, आपका जो एक आंख है वो क्या करता है, वो इस साइड को तो देख सकता है, आपका एक आंख इस साइड को पूरा देख सकता है, लेकिन एक आंख इस साइड को नहीं देख पा रहा है कढ़ाई का, डन है क्या। उसी तरह आपका जो सेकेंड आंख है वो क्या कर रहा है, इस साइड को देख रहा है, इस साइड को देख रहा है, लेकिन वो इस साइड को नहीं देख पाता। दिख रहा है कि यहाँ से तो लाइट आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं उसे। तो हमारा आँख क्या करता है, ये जो दो डिफरेंट सोर्सेस से जो इमेज आते हैं ना, जो डिफरेंट सोर्सेस से इमेज आते हैं, इसको वो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके क्या है, एज ए 3D में देखता है। तो अभी अगर हमें 3D मूवी देखना है तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होंगे, दो सोर्स चाहिए होंगे, दो सोर्स, एक ऊपर एक नीचे, दैट इज एक लेफ्ट सोर्स और एक राइट सोर्स। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो 3D थिएटर होता है उसमें स्क्रीन तो एक होता है, उसमें स्क्रीन एक होता है, तो इसमें भी दो कैसे लाएंगे। तो अगर दो लाना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जब इसको शूटिंग करते हैं ना तो हम दो कैमरा यूज़ करते हैं, एक कैमरा से हम इस तरफ शूट करते हैं और एक कैमरा से हम इस तरफ का शूटिंग करते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पे प्रोजेक्शन करना होता है ना, जब यहाँ पे हम लाइट को डालते हैं, जब हम यहाँ पे लाइट को डालते हैं, तो जो रेड साइड का लाइट है उसको हम इस तरफ से प्रोजेक्ट कर देते हैं, यहाँ से पूरा रेड रेड वाला ए साइड के जो वीडियोग्राफी किया गया था इसको प्रोजेक्ट करते हैं, और सिमिलरली इस तरफ में हमारे ब्लू वाले लाइट के जो वीडियोग्राफी था उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है, हमारे पास दोनों दोनों प्रोजेक्शन करते हैं। अब जब दोनों प्रोजेक्शन करेंगे तो समझना ज़रा, जब दोनों प्रोजेक्शन करोगे तो क्या होगा, दोनों अलग अलग एंगल से लिया गया है। तो सपोज आपके पास अगर एक फ्लावर है ना, ये आपका फ्लावर का रियल इमेज, सिंगल एक कैमरा लेता तो ऐसा होता, लेकिन ये दोनों तरफ से लिया गया है तो यही फ्लावर आपको कैसा दिखेगा, ऐसा ओवरलैप टाइप का दिखेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, ग्लासेस दिए जाते हैं। ये जो ग्लासेस है ये ज़रा समझना, अभी हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग वाले की। तो होता क्या है, जब यहाँ पे शूटिंग करते हैं ना, तो हमारे पास दो रेज है, एक तो ए वाले रेज हो गए और एक हो गए ए वाले रेज। तो मैंने बताया था आपको, ये जो खड़े वाले रेज है इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, और जो डॉटेड वाले हैं दैट इज ऐसे वाले, डन है क्या, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेज। तो करते क्या है, जब वो शूटिंग करते हैं तो उनका मनमर्जी का है। सपोज मैंने इस तरफ को मैंने ई रेज से शूटिंग किया, एक पोलराइड लगाया फिर उससे शूटिंग कर दी, मतलब स्क्रीन के सामने एक पोलराइड था, स्क्रीन के सामने ऐसा एक पोलराइड था। ये अगर आपका कैमरा है ना, ये अगर मेरा कैमरा है तो कैमरा के सामने मैंने ऐसा डाला, ये अगर कैमरा है तो ऐसा एक पोलराइड डाला, डाल के मैंने इस तरफ का शूटिंग किया। सिमिलरली इस तरफ का शूटिंग मैंने ऐसे पोलराइड रखा, तो यहाँ से क्या आएंगे, ऐसे वाले रेज ही आ जाएंगे, डन है क्या। ऐसे ऐसे रख के मैंने शूटिंग किया, इस ऊपर वाले को ई रेज से कर दिया, नीचे वाले को ओ रेज से कर लिया। तो उसके बाद जब मैंने प्रोजेक्ट किया, जैसे इस तरफ रेड वाले को मैंने ई रेज से किया था, तो मैंने यहाँ से ई रेज से ही प्रोजेक्ट कर दिया, और जब इस तरफ किया तो मैंने यहाँ ओ रेज से इसको प्रोजेक्ट किया। ये बातें क्लियर है क्या। अब दोनों मिलके यहाँ पे एक ऐसे अगड़म बगड़म इमेज बना रहा है, तो वो बंदा क्या करता है, हमारे आंखों को समझाने के लिए यहाँ पे पोलराइड लगाता है। तो जो आपका ई रेज है वो कैसा है, ऐसे वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, वो ऐसे वाला पोलराइड लगाता है एक चश्मे में, डन है क्या। तो एक चश्मे में ऐसा वाला पोलराइड मतलब क्या है, इसके अंदर खाली जो ऐसे वाले रेज है वही अंदर आएंगे, और दूसरे चश्मे में वो लगा देता है, जैसे ई रेज ऐसे वाले थे ना ये वाले, और ओ रेज ऐसे वाले, दूसरे में लगा देते हैं ऐसे वाला, मतलब एक में खाली यही एंटर कर पा रहा है और एक में खाली यही वाला एंटर कर पा रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा आँख है ना, हमारा आँख को क्या दिखेगा, हाँ भाई ये तो दो डिफरेंट सोर्सेस से लाइट आ रहा है, और जो दो साइड के हैं, दो अलग अलग साइड से लिए गए हैं, डन है क्या। तो फिर हमारा आँख क्या करता है, एक 3D इमेज बना देता है, और हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे सामने है।
क्या ये बातें क्लियर है? ये तो हुआ 3D मूवीज वाला कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, आपको बस इतना याद रखना है 3D मूवी में यूज़ करते हैं हम। और जो दूसरा इंटरेस्टिंग है वो है आपका गाड़ी में यूज़ करते हैं, आजकल तो फॉग लाइट भी आ गया, उसके पहले गाड़ी में भी यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, ठीक है। दैट इज़ रिड्यूसिंग ग्लेयर। अभी ग्लेयर किसी को नहीं पता है तो हम बोल देते हैं, मतलब ग्लेयर क्या होता है, अभी रात को कभी आप ड्राइविंग करोगे ना तो ड्राइविंग करने के टाइम क्या होता है, अचानक आपके आँख में अगर रोशनी आता है ना, सामने वाला गाड़ी वाला आपके आँख में रोशनी रोशनी कर देता है, तो आपको कुछ दिखता नहीं है ना, क्या बात है, क्लियर, आपको कुछ दिखता नहीं है ना, उसी चीज़ को हम ग्लेयर कहते हैं। अब होता क्या है वो ज़रा समझना। अभी देखो आप रात को गाड़ी चला रहे थे, सपोज आप रात को गाड़ी चला रहे थे और आप रोड देख रहे थे, आप सिंपल मान लो आप यह गाड़ी चला रहे हो, आप यह गाड़ी चला रहे हो ना, नहीं आपका गाड़ी है, और अभी रोड एकदम अंधेरा है ना, नहीं क्या, अभी रोड एकदम अंधेरा है और यहाँ पे आपको पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं, आप आपका खुद का गाड़ी में हेडलाइट नहीं है, आपको सब पेड़ पौधे सब कुछ आपको दिख रहा है ना, नहीं क्या। अभी देखो यहाँ पे आपका आँख के साथ क्या हाल है, ये हमारा आँख में ये आ गया रेटिना, पीछे वाला रेटिना, और सामने क्या रहेगा आपका, ये हो गया कॉर्निया, उसके अंदर है जाके प्यूपिल। अच्छा एक काम करते हैं, हम मानते हैं ये पूरा आपका फिलहाल इतना इतना आँख आपका खुला है, आपका जो प्यूपिल है, मैंने पूरा वाला प्यूपिल को बना दिया, ठीक है, आपका प्यूपिल इतना खुला है तो क्या कर रहा है, यहाँ से जो लाइट्स आ रहा है ना वो लाइट्स आपके रेटिना में इमेज बना रहा है ना, क्या, यहाँ से जो लाइट्स आ रहा है वो आपके रेटिना में इमेज बना रहा है, किस चीज़ का, इस पेड़ का, फिर रोड का, जो आप देख पा रहे हो। अभी मान लो अचानक आपके सामने गाड़ी आती है और वो क्या करता है, अपना फ्लैश जला के आता है मस्त वाला, तो अब क्या हो गया, अभी आपके आँख में इतना सारा लाइट आ रहा था, जैसे ही ये वाला गाड़ी आएगा तो इसके थ्रू क्या आएगा, बहुत सारा लाइट आ जाएगा आपकी आँखों में, बहुत सारा लाइट इस गाड़ी के थ्रू आपकी आँखों में आ रहा है, और हमारा आँख का एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है सोल्यूशन जो भी बोलो, ये आँख अपने आप को हमेशा बचाता है, क्योंकि लाइट एक एनर्जी है, एनर्जी कोई भी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है ना, क्या। तो हमारा आँख क्या करेगा, पहले जो इतना खुला हुआ था ना, अब क्या करेगा, अपने आप को श्रिंक कर देगा, तो जैसे ही श्रिंक करेगा तो ये गाड़ी का जो लाइट है वो तो सफिशियंट है आपके लिए, आप उस गाड़ी को देख सकते हो ना, क्या, लेकिन ये जो पेड़ पौधा है वो आपको दिखेगा नहीं, और आप क्या कर दोगे, आपके गाड़ी गाड़ी लेके इस पेड़ में ठोक दोगे, तो इसी चीज़ को ग्लेयर कहते हैं ना, क्या, इस फेनोमेना को। अब इससे हम कैसे बचें, तो बेसिकली क्या करते हैं, ये जो गाड़ी है ना, इसके गाड़ी के हेडलाइट के सामने हमारा मर्जी, आप चाहे तो ऐसा वाला पोलराइड लगवाओ या आप ऐसा वाला लगवाओ, मतलब ई रेस के लिए लगवाओ या ओ रेस के लिए लगवाओ, कोई भी एक लगवाओ, तो क्या होगा, जैसे सपोज आपने ए वाला पोलराइड लगाया तो यहाँ पे तो दोनों वाइब्रेशन आएंगे, यहाँ से तो दोनों वाइब्रेशन गाड़ी के हेडलाइट में से अंदर से निकलेगा, लेकिन जैसे ही पोलराइड से पार होगा तो आपको बस यही वाला दिखेगा, क्या ये बातें क्लियर है। और ए वाला जब कोई सरफेस वर्फेस में गिरेगा तो और भी बहुत ही कम हो जाएंगे, मतलब क्या है, यहाँ अगर आपका 100% इंटेंसिटी था तो जैसे ही इसमें से पार होके आएगा तो 50% इंटेंसिटी बच जाएगा, तो आपका आँख उस तरह डैमेज नहीं होगा। सिमिलरली इसके साथ भी है, इस तरफ में जो गाड़ी के अंदर का जो लाइट है वो लाइट अगर जलता है तो यहाँ पे दोनों रेज आएंगे, दोनों रेज आ गए, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ से बस सिंगल वाला आएगा, दैट इज डॉटेड वाला बाहर आएगा, जिसका भी इंटेंसिटी 50% हो चुका होगा, क्या ये बातें क्लियर है। तो ऐसे हम करते हैं गाड़ी का ग्लेयर को काटते हैं ना। और कहाँ यूज़ करते हैं, फिल्टर इन फोटोग्राफी में, जो भी फोटोग्राफी करने वाले शौकीन लगते हो वो लोग, फोटोग्राफी फिल्टर। अब फिल्टर में क्या होता है, बेसिकली फिल्टर में आपने देखा होगा कलर चेंज होता है ना, मस्त वाला कलर चेंज होता रहता है, कभी कभी पीला कर देते हो, कभी नीला कर देते हो, कभी हरा कर डालते हो, कुछ कुछ तो करते ही रहते हो ना, फिर दोपहर में बैठ के फोटो खींच रहे हो एकदम तगड़ा धूप में, फिर भी वहाँ पे आप स्मूथ फोटो निकालते हो। देखो यार इसमें होता क्या है, बेसिकली आपका जो कैमरा हो या सेलफोन हो, सेलफोन में आजकल महंगे वाले में यूज़ करते हैं, इसके सामने एक पोलराइड लगा दिया जाता है, तो होता क्या है, ये जो पोलराइड है ना ये एडजस्टेबल पोलराइड है ना, क्या, ये तगड़े चीज़ होते हैं, बड़े महंगे आते हैं, तो सीन क्या है, जब आप फोटोग्राफी कर रहे होते हो एकदम सन है यहाँ पे, सनी रेज है, दुनिया भर का क्या है रेज आ रहा है, तो आपको दिखेगा हाई कॉन्ट्रास्ट, मतलब पूरा सन रहेगा ना तो फोटो किस तरह एकदम धुंधला धुंधला सा आता है, तो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये सन में इतने सारे रेज आते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोलराइड यूज़ करते हैं ना, तो पोलराइड क्या करता है, यहाँ अगर 100% इंटेंसिटी आ रहा है तो इसको रिड्यूस करके 50% कर देता है, और फिर उस 50% में हम बढ़िया से एक फोटो ले लेते हैं, जैसे देखना अगर किसी को बढ़िया फोटो खींचना है तो शाम का टाइम में बहुत बढ़िया फोटो खींचता है कंपेयर टू दोपहर में, सुबह और शाम को बढ़िया खींचता है, क्यों खींचता है, क्योंकि वहाँ पर इंटेंसिटी कम होती है लाइट की, दोपहर में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, क्या ये बातें क्लियर है। तो फोटोग्राफी में भी हम ऐसे यूज़ करते हैं। और थर्ड, तो जब फोटोग्राफी हो ही गया तो सनग्लासेस में भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ पोलरॉइड, पोलरॉइड सनग्लासेस में यूज़ करते हैं, डन है क्या जी।
पोलोराइड सनग्लासेस, हम जो रेगुलर जो घर में पहनते हैं ना ब्लैक सनग्लासेस, वो सारे पोलोराइड्स नहीं होते, कुछ कुछ ब्लू पिंक हरा आजकल सनग्लासेस आता है ना, वो सब पोलोराइड सनग्लासेस नहीं होते हैं। पोलोराइड सनग्लासेस रहेगा तो आपको खाली इंटेंसिटी डिक्रीज होते हुए दिखेगा, आपको कलर वगैरह सब कुछ एकदम बराबर दिखेगा। लेकिन आप अगर कोई ब्लू कलर का सनग्लासेस पहनते हो तो उस केस में को पता ही है ना, गुलाब भी ब्लू ही दिखता है। रेड वाला पहनते हो तो उस केस में गुलाब रेड दिखेगा, आपको पानी भी रेड दिखने लग जाएगा। क्या बात है, क्लियर है? तो वो आपका पोलोराइड सनग्लासेस नहीं है। ये पोलोराइड सनग्लासेस कैसे होते हैं, ये तगड़े होते हैं, मतलब आप ले खरीद सकते हो इन्हें। और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि ये पोलोराइड सनग्लासेस में जो कलर है ना, कलर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। फिर हम लोग विंडोज़ ऑफ एरोप्लेन में भी यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन काफ़ी ऊपर घूमता है ना, AEROPLAN, एरोप्लेन काफ़ी ऊपर घूमता है, वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट्स रे, अगड़म बगड़म दुनिया भर के रेज होते हैं, उनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। भाई बादल के नीचे आने के बाद भी दोपहर में उतना प्रॉब्लम होता है, तो बादलों के ऊपर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। तो उस केस में भी हम ऐसे करके इंटेंसिटी डाउन करते हैं वहाँ पे विंडोज़ में पोलोराइड्स लगा के। क्या बातें, क्लियर है? ओके, अब देखो, अब केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ लीवो एंड डेक्स्ट्रो। आप पढ़े हो इसको केमिस्ट्री में अच्छे से, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। असल में क्या होता है, हमने देखा है कि पोलोराइड के अंदर, जैसे जनरली आप कोई भी पोलोराइड अगर यूज़ करते हो ना, मैंने यही निकोल प्रिज्म लिया है, सो इसके अंदर जैसे ही आपका रे इंटर होता है ना, जैसे ही रे इंटर होगा तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होगा, दैट इज़ फॉर श्योर रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग रेस के रिफ्रैक्शन होते हैं। क्या है, बातें क्लियर है? मैं फिर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी फिर से नहीं पढ़ा रहा उसको पूरे बड़ी बारीक, मतलब बारीकी से। तो ऐसे रिफ्रैक्शन होता है। तो क्या होता है ना, कभी कभी देखो, मैंने अभी सुनो, हम लोग यहाँ पे निकोल प्रिज्म यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे निकोल प्रिज्म यूज़ करते हैं एज ए ऑब्जर्वर। केमिस्ट्री वाले भी सेम हरकतें करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं ज़रा समझना। केमिस्ट्री वाले जो होते हैं वो कुछ एक सल्यूशन ले लेंगे, सल्यूशन कोई भी एक कंपाउंड का सल्यूशन लेगा, कोई भी एक कंपाउंड का सल्यूशन लेगा, अब उसके अंदर में से लाइट पास करेंगे। तो जैसे ही लाइट पास करेगा ना, तो उनका जो इमेज होता है ना, तो समझ लो ज़रा, कहना क्या चाहते हैं, ये जो वाइब्रेशन है, जो लाइट है इसके अंदर में से पार होगा ना, ये जो वाइब्रेशन सपोज ऐसे करके था ना, उसके बाद ये एक तो ऐसे वाइब्रेशन थे और एक ऐसे वाले थे। अब होता क्या है, कुछ कुछ वाइब्रेशन जो ऐसे वाले थे ना, जब ये कंपाउंड में से पार होगा, वो अपने आप को ऐसे करके रोटेट करता है। क्या बात है, क्लियर है? ऐसे करके अपने आप को, देखो था वो कैसा ऐसा, लेकिन इस सोल्यूशन में पार होने के बाद अपने आप को रोटेट करना शुरू कर दिया ऐसे करके। ये जो रोटेशन करता है ना, इसी रोटेशन को कहते हैं लीवो या डेक्स्ट्रो, डन क्या? तो उसको एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब देखो, लीवो फॉर राइट साइड में घूमेगा, नहीं, लीवो फॉर लेफ्ट में होता है शायद, और डेक्स्ट्रो मतलब राइट में होता है, नॉट श्योर, राइट में होता है शायद, अब चेक चेक कर लेना एक बार। लेकिन उस तरह क्या होता है, ये जो रोटेशन लेते हैं वाइब्रेशन, सिमिलरली ये जो वाइब्रेशन है ना, ये भी रोटेशन लेता है, ठीक है? कुछ कुछ सोल्यूशन में लेता है, कुछ कुछ में नहीं लेता है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनालिसिस ऑफ पोलराइजेशन, एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड पोलराइज्ड लाइट, डन है? कि जो लाइट पोलराइज्ड है कि नॉन पोलराइज्ड है, उसको भी एनालिसिस करने के लिए भी हम पोलराइज्ड यूज़ करते हैं। ये जो मैंने 3D मूवी में बताया था ना, वो सनग्लासेस अगर आपको कभी मिलता है ना, तो आप क्या करना, दो सनग्लासेस लेना, दोनों दो सनग्लासेस, आपका एक, आपका दोस्त का एक। फिर क्या करना, आपका वाला ऐसा पकड़ लेना, दोस्त का वाला ऐसा पकड़ लेना, फिर एक एक को ऐसे से घुमा घुमा के देखना। आपको दिखेगा कि जो इमेज की इंटेंसिटी वो डाउन होता है, एक टाइम में सामने कुछ होता तो है लेकिन आपको वो दिखता नहीं है, डन है क्या? तो इसको करके देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अगर आप मूवी देखने जाते हो तो कभी करना, ठीक है? तो ये था बेसिकली आपका एप्लीकेशन ऑफ पोलराइड्स, जो कि आपको बस इन 3D मूवीज यही लिखना होगा, व्हाट आर द एप्लीकेशन, फिर रिड्यूसिंग ऑफ ग्लेयर, फोटोग्राफी फिल्टर, पोलराइड सनग्लासेस में यूज़ करते हैं, विंडोज ऑफ एरोप्लेन में, एनालिसिस ऑफ लीवो एंड डेक्स्ट्रो, फिर एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट। आपको बस इतना लिखता है, मैंने तो बस आपको अंदर में इसका कंटेंट भी पढ़ा दिया। क्या ये बातें क्लियर है? तो इसके इसके साथ हम जाने वाले, इसके बाद इसके आगे के टॉपिक को एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम आएंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर में। क्या ये बातें क्लियर है, डन है? तो ये वाला एक एडिशन पार्ट था, वेव ऑप्टिक्स तो हमने काफ़ी पहले ही खत्म कर लिया था, जिसके टॉपिक्स थे, उसके बाद ये कुछ एड ऑन टॉपिक्स थे, डन है क्या? इसको करने के बाद हम फिर से वेव ऑप्टिक्स के आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे अभी आइंस्टाइन आ चुके होंगे। क्या बातें क्लियर है? तो मैं मिलता हूँ आपको उस चैप्टर में। अच्छा सुनो, न्यूटन ने बोला, न्यूटन ने क्या बोला था, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ रेस, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एक्सेप्टेड। हाइजीन ने बोला लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एक्सेप्टेड। उसके बाद ये वाला टॉपिक तो कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बना था, इसका कुछ लेना देना नहीं इसके बीच में।
उसके बाद हमारे आइंस्टाइन सर आए, उन्होंने बोला अच्छा न्यूटन भी सही बोल दिए, हाइजीन भी सही बोल दिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, लाइट डुअल नेचर है। क्या है, बातें क्लियर है? लाइट का दोनों नेचर है, क्योंकि दोनों सही है तो मैं भी सही हूँ, तो लाइट दोनों नेचर के हैं। उसी को यूज़ करके आइंस्टाइन सर अपने आगे की थ्योरीज पुटअप करेंगे, जो हम देखने वाले हैं, एज ए चैप्टर का नाम रहेगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो मैं मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।